वेलकम टू आवर YouTube चैनल कोड विथ अंकित। और आज हम अपने CSS के ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। तो इस CSS के फुल फ्लेज्ड पेड प्रीमियम कोर्स में देखते हैं कि हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे CSS आउटलाइंस, जो कि बहुत अच्छा है। तो चलो आ जाओ, मैं पहले तो एक बनाना चाहूँगा यहाँ से, कुछ एक HTML बनाता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि आउटलाइन हम लोग सीख रहे हैं, तो मैं इसी का दे देता हूँ, ठीक है। आउट व्हाट हैपेंस यार, outline.html। एक मैं और बनाऊंगा और outline.css लिख दूंगा, outline.css, राइट। अब इसको बंद करते हैं एंड कुछ कोड ऑफ लाइंस लिखते हैं। ये लो, हमने लिख लिया। और यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक, और इस लिंक में डालेंगे कि हम इसी में रहना चाहते हैं, और outline.css इसको कर लेते हैं सेव। बॉडी लिखते हैं, इस बॉडी में हम लिखेंगे डिवीजन टैग, और इस डिवीजन टैग में हम एक कंटेनर नाम का क्लास बनाएंगे। और क्लास बनाने के बाद मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँगा H1, और इस H1 में मैं दूंगा H1 H primary, ठीक है। मतलब हेडिंग प्राइमरी है ये हमारा, और इस हेडिंग प्राइमरी में मैं देना चाहूँगा, लिखना चाहूँगा कुछ ऐसे कि दिस इज हेडिंग 1। ओके तो ये दिस इज हेडिंग 1 हो गया। और मैं इसमें पैराग्राफ लिखना चाहूँगा और फर्स्ट, ठीक है। इस पैराग्राफ में लोरम ipsum मैं लिख दूंगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखते हैं हमारा दिखा रहा है कि नहीं। और राइट क्लिक करके मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ इसको सबसे पहले। और जैसे ही आप ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो ये मेरे को इतना कुछ देखने को मिल जाएगा, राइट। अब इसके CSS में जाते हैं, और इस CSS में सबसे पहले तो हम कंटेनर लिखते हैं, और फिर इसमें नीचे आते हैं, और फिर डॉट लगाते हैं, और फर्स्ट, और इसके जो फॉन्ट की जो साइज है उसको चेंज करते हैं 24 पिक्सल, राइट। इसको सेव कर दो तो 24 पिक्सल आपको देखने को मिल जाता है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज कि कलर जो है वो कुछ आप चेंज कर लो भाई, रेड मान के चलो मैंने दे दिया, बट मैं रेड रखूंगा नहीं, राइट। इसको राइट क्लिक करके मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। एंड नाउ आई विल डू इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, एंड इन इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में मैं रेड नहीं रखूंगा, और मैं कुछ क्या रखने वाला हूँ, चलो मैं ये कलर रख दूँ क्या, वाइट का कोई टिंट दे दूंगा। मैं सबसे पहले तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसका चेंज करता हूँ, राइट। उसको मैं खूबसूरत थोड़ा दिखाना चाहूँगा, और बॉडी में मैं बॉडी इस तरीके से, और बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड, और इसको सेव करते हैं। पहले तो रेड कलर को चेंज करेंगे क्योंकि बॉडी आई डोंट लाइक द रेड कलर, राइट। तो ये बॉडी का कलर जो है वो कुछ इस तरीके से हम ब्लैक इस टाइप में थोड़ा सा रखेंगे, कोई ब्लैक का टिंट देके, और ब्लैक का ही टिंट अगर रहेगा तो हम कुछ इस तरीके से ग्रे कलर, ये इसका हेक्स कोड कॉपी कर लेते हैं। और इसको हेक्स कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करके सेव कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग आ रहा है तो H1 प्राइमरी जो है उसको भी हम लोग ये करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ और लिखो H ऐसे करके, प्राइमरी हमने ये राम रखा था, कलर कर दीजिए वाइट, पूरा का पूरा वाइट, ठीक है। और इसको हम रख देंगे वाइट कलर से, सेव करते हैं। देखो ये कलर दिस इज हेडिंग आ रहा है, और ये हेडिंग जो है वो भी अच्छा दिख रहा है। और हेडिंग को जो पैराग्राफ है उसको चेंज करते हैं, और इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा और कम कलर देंगे, हल्का लाइट कलर देंगे इसको हल्का सा, और ये हमारा पैराग्राफ जो है वो रेडी हो चुका है। अब ये पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लूँगा, और इसको कॉपी करने के बाद, इसको जो कोड है उसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे 5 था, ये सेव कर देता हूँ। ये आपको देखने को मिल जाता है इतना कुछ, ठीक है। अब इसी में अगर आप सपोज़ कि इस कंटेनर को आपको ये करना है, बॉर्डर देना है, ठीक है, बॉर्डर 2 pixel सॉलिड ब्लू, ठीक है। सॉलिड ब्लू कलर का मैं बॉर्डर देता हूँ इसमें, और ये सॉलिड ब्लू कलर का बॉर्डर हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं फिर से वो करूँगा। अब देखो जब आप डिजाइनिंग करते हो तब आप इसी तरीके से यूज करते हो, ताकि आपका जो भी कलर कोड है वो जो कलर है वो अच्छा खूबसूरत दिखे, ताकि आप अच्छे से और वो कर पाओ, ठीक है। तो मैं इसको टिंट देना चाहूँगा ब्लू कलर का, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसको कलर का टिंट देने के लिए मैं ये कलर यूज करता हूँ, ठीक है। और इस कलर को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसमें पैडिंग देंगे इसको। और इस कंटेनर में आ जाओ और पैडिंग लिखो 8 pixel और 12 पिक्सल का, और इसको सेव कर देते हैं। जैसे सेव करोगे तो ये पैडिंग कुछ तरीके से आ जाएगा, और अभी कुछ ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आउटलाइन क्या होता है,
राइट, देखो इसमें आप जैसे ही खोलोगे इसका पिक्चर, तो आउटलाइन किसी भी एलिमेंट के बाहर एक लाइन जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका एक कंटेनर में, ये जैसे अभी हमने डाला वो बॉर्डर डाला है, ठीक है, अब आउटलाइन डालते हैं। तो आउटलाइन जो है कुछ इस तरीके से आप डालोगे आउटलाइन, और आउटलाइन इस तरीके से डालो, आउटलाइन का सबसे पहले तो स्टाइल, स्टाइल डाल दो सॉलिड, ठीक है, आउटलाइन कलर, ठीक है, आउटलाइन और आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर में आप रेड कलर का आउटलाइन डालो, और आउटलाइन विड्थ डालो, आउटलाइन का विड्थ जो है वो होना चाहिए सपोज करो 12 पिक्सल का, और इसको जैसे सेव करोगे तो ये देखो ये बॉर्डर के बाहर जो मार्जिन बचा रहेगा उस गैप को फिल करता है, उसको ये काम में लेता है आउटलाइन, मतलब बाहरी हिस्सा, राइट। तो जो मार्जिन का पीछे का कलर है, अगर सपोज करो कभी आपको उसको रंगना हो, आपको उसको कलर करना हो या आउटलाइन देना हो, तब आप आउटलाइन का यूज कर सकते हैं, समझ गया। जो मार्जिन का यहाँ पे होता है, देखो जैसे इसको आप देखोगे, घटाओ बढ़ाओगे तो आपको और पता चल जाएगा अच्छे से। कुछ नहीं यार, आसान है, आपको बस थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है अपने जब आप सीख रहे हो उस टाइम, ठीक है, बस पीसी में नहीं, आपको कोड में छेड़छाड़ करना है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, बॉडी इसकी जो है कंटेनर है, अब ये कंटेनर का जो रेड कलर का इसको मैं और पीला कलर कर देता हूँ ऐसे कर, ये आपको आउटलाइन दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अगर आप इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, इंक्रीज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ये देखो आउटलाइन जो है ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा आउटलाइन का विड्थ इसका, समझ में आ रहा है। अब जैसे आप इसमें मार्जिन कर दो ऐसे करके, मार्जिन टॉप 45 पिक्सल, अब ये टॉप से मार्जिन आपका आ गया, ठीक है। अब इसके विड्थ को आप और बड़ा करो, कर सकते हो, देखो। तो ये जो मार्जिन का जो गैप है ना उसको फिल करता है, ठीक है, उसको फिल करता है। अब ये आउटलाइन आपको और भी कहीं मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कभी आप फॉर्म बनाओगे, कोई फॉर्म बनाओगे ना तो भी आपको आउटलाइन मिल जाएगा। तो ये होता है आउटलाइन, ठीक है। और इसमें प्रॉपर्टीज जो है वो लिखा हुआ है कि कौन से प्रॉपर्टी से क्या होता है। तो आउटलाइन स्टाइल से आप चाहो तो आउटलाइन का जो स्टाइल है वो बॉर्डर की तरह डॉटेड भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप डॉटेड कर दोगे तो इसका जो स्टाइलिंग आएगी वो क्या आएगा, देखो डॉटेड आ जाएगा। तो आप उस तरीके से अपने तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप फ्री हैं डिज़ाइन करने के लिए। और ये वैल्यू होता है डॉटेड का यार, ग्रूव ये और वो भी है। आउटलाइन विड्थ में आप विड्थ इसका सेट कर सकते हैं, 12 पिक्सल चाहिए कि 100 पिक्सल चाहिए, जो हमने आपको सेट कर रखा है। अब देखो आउटलाइन इफेक्ट क्या, सॉरी आउटलाइन ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आउटलाइन और एलिमेंट के बॉर्डर के बीच ट्रांसपेरेंस स्पीड ऐड करता है। देखो ना, ये प्रॉपर्टी जो है आउटलाइन एलिमेंट जो आपका मेन एलिमेंट होगा कंटेंट मतलब, और बॉर्डर के बीच क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट स्पेस ऐड कर देगा। जैसे देखो आउटलाइन ऑफसेट, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कि आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट अगर आप लिखते हो ना 45 पिक्सल, अभी सेव करके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप जाओगे तो देखो ये जो आपका कंटेंट था, ठीक है, तो आउटलाइन मैंने क्या बताया कि जो मार्जिन वाला हिस्सा होगा उसके बाद का, तो अब चारों तरफ इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। जैसे आप मार्जिन डालोगे तो उसमें स्पेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सपोज करो कि मैं मार्जिन डाल देता हूँ ऑटो, ठीक है, इसे सेव करते हैं इसको, या फिर चलो मार्जिन हम देते हैं इसमें 45 पिक्सल का, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। देखो अभी और आया, अब ये आप इसको और बढ़ा दोगे लेट से कि 120 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। तो ये चलो अभी आपका सही है, 120 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है। तो ये जो आउटलाइन है ना, ठीक है, अब इनके बीच जो भी डिस्टेंस है उस ट्रांसपेरेंस स्पेस को जो है वो ऐड कर दिया। तो आपको आउटलाइन कितना छोड़ के रखना है ये आप किससे डिसाइड कर सकते हो, आउटलाइन ऑफसेट से डिसाइड कर सकते हो। अब ये ऑफसेट को जितना बढ़ाओगे उतना स्पेस ये देखो बढ़ता चला जाएगा, जितना घटाओगे उतना स्पेस आपको घटता चला जाएगा। तो ये होता है आउटलाइन की सारी प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको आउटलाइन समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसमें आप और जैसे ज़्यादातर क्या यूज होता है आउटलाइन, सपोज करो कि आपको यहाँ से डिव मैंने बनाया और डिव डॉट क्या है, फॉर्म कंटेनर, ठीक है, आपको यहाँ से फॉर्म कंटेनर मैंने ये बनाया। अब इसमें मैंने लिखा फॉर्म, ठीक है, अब इस फॉर्म में मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को पहले मिटाओ यहाँ से और यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल, ठीक है, ईमेल, और ईमेल के बाद हम कुछ ऐसे लगाएंगे और लिखेंगे इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, और यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, ठीक है। एक और चीज़ बनाते हैं बटन और लिखते हैं लॉगिन, राइट। अब जैसे आप सेव करोगे तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो फॉर्म कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं। इसको कॉपी कीजिए और इस यहाँ पे पेस्ट कीजिए, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे ऐसे फॉर्म कंटेनर, क्योंकि क्लास है तो डॉट से लिखेंगे, राइट। तो अब फॉर्म कंटेनर में हम लोग देखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है,
तो जैसे ही आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे फॉर्म कंटेनर में, तो ये बीच में आ जाएगा और इन सब का जो हम जो भी लिखेंगे ना फॉन्ट का जो साइज होगा उसको बड़ा करते हैं। फॉन्ट साइज कर दो 24 पिक्सल, इसको सेव कर देते हैं। तो ये फॉन्ट का साइज जो है वो 24 पिक्सल हो गया। अब कलर वाइट कर देते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि पता नहीं चल रहा है कलर वाइट होना चाहिए या वीट होना चाहिए, जो भी होगा। चलो तो कलर हमारा ये हो गया, ईमेल पासवर्ड और लॉगिन। अब ये देखो ये जो आपको क्लिक करने पर दिख रहा है ना, ये आउटलाइन दिख रहा है, ठीक है। जो आप क्लिक कर रहे हो तो आपको जो ये दिख रहा है ये आउटलाइन दिख रहा है। देखो अभी कुछ नहीं था, अभी ये आउटलाइन दिख रहा है। अब इसको आप चेंज कर सकते हो या सेट कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो यहाँ से सेट कर सकते हो इनपुट बॉक्स में। अब इनपुट में हम यहाँ पर एक क्लास बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से क्लास, और मैं लिखूँगा इसमें इनपुट, इनपुट बॉक्स, ठीक है। इनपुट बॉक्स में हम एक क्लास बनाते हैं और यहाँ से हम फिर से लिखते हैं इनपुट, इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन का जो कलर होगा ना उसको रेड कर दीजिए प्लीज़, और आउटलाइन की जो विड्थ होगी ना, आउटलाइन की जो विड्थ होगी उसको आप 8 पिक्सल कर दीजिए, और बस सेव करके देखते हैं डिफ़ॉल्ट इसका कौन सा आउटलाइन आता है। तो देखो डिफ़ॉल्ट आउटलाइन जो है वो ये होता है, सॉलिड आउटलाइन होता है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसी इनपुट बॉक्स में आप फॉन्ट का जो साइज है उसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, और 22 पिक्सल एटलीस्ट कर देते हैं, और इसको सेव करके देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। अब आप कुछ लिख सकते हो, जब आप क्लिक कर रहे हो तो आपको रेड कलर का एक आउटलाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस लॉगिन बटन को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि मैंने लिखा बटन और कलर जो है वो वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड का जो कलर है वो कुछ ब्लैक हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे इसमें कि जो पैडिंग लगाएंगे वो 8 पिक्सल, वो 4 पिक्सल और 2 पिक्सल की पैडिंग हो जाएगी। इसको सेव करो, तो ये देखो वो छोटा काफ़ी हो गया, और आप इसको पहले तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फॉन्ट का जो साइज है वो 16 पिक्सल एटलीस्ट सेव कर दो, और बढ़ा दो भाई, 16 नहीं 20 पिक्सल, फाइन ना, 20 पिक्सल इज इनफ। और इसमें आप पैडिंग डाल दो, पैडिंग पिक्सल। चलिए ये अभी लॉगिन का आपको बटन दिख रहा है, तो देखो आप क्लिक कर रहे हो तो आउटलाइन का आपको इफेक्ट दिख रहा है, राइट। जैसे ही आप इस पर क्या करोगे कि आउटलाइन डालोगे ना, यहाँ पर, यहाँ पे पैडिंग आपको 12 पिक्सल दिख रही है। अब जैसे ही आप इस पर आउटलाइन कर दोगे नन, ठीक है, आउटलाइन कर दोगे नन, तो क्या होगा कि इसका आउटलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो जब आप क्लिक कर रहा हूँ तो अब नहीं कलर मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें जो कलर है वो आउटलाइन में वो नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका बॉर्डर है, ये वाला जो दिखा रहा है। अगर आप इसको बॉर्डर कर दोगे नन, आउटलाइन नन और बॉर्डर नन, और इसको से क्लिक करते हो तो देखो बॉर्डर भी हट गया, ठीक है, ये बॉर्डर भी हट गया। तो ये इस तरीके से आपका जो है वो कलर जो है वो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, आप बॉर्डर डिसाइड कर सकते हो, आप आउटलाइन डिसाइड कर सकते हो कैसे अच्छा लगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या आउटलाइन रखना है नहीं रखना है। अगर इसमें अगर आपको आउटलाइन रखना ही नहीं है तो आप नन कर दो, ये जो हमने आउटलाइन बना रखा होगा कहीं पर, ये जो आउटलाइन है ना आउटलाइन, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको कमेंट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे आउटलाइन नन, ठीक है। अब जैसे मैं नन करके सेव करूँगा आउटलाइन, सॉरी इसमें आउटलाइन और नन, ठीक है, जैसे आप सेव करोगे आउटलाइन नन करके तो ये देखो आउटलाइन जो है इसको क्या हुआ, सेव करो भाई, अच्छा ये यहाँ पे आउटलाइन हो रहा है। इस नन को हमको यहाँ आउटलाइन नन करना होगा, ठीक है, इस इनपुट बॉक्स में। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटलाइन भी नहीं आएगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा चीज़ काम करता है, आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, पासवर्ड और लॉगिन का काम है तो लॉगिन करवा सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आउटलाइन क्या होता है पूरा का पूरा। आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।